गुजरात में राज्यसभा के 3 सीटों को लेकर हो रहे चुनाव में एनसीपी के विधायक ने भाजपा को वोट देने की बात कही। हमारे साथ एनसीपी से राज्यसभा के सांसद माजिद मेमन साहब हैं। माजिद साहब, क्या स्टैंड है केंद्र में, क्योंकि आपके देखिए हमारी पार्टी का एक प्रचार जिस तरह से हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने का दोनों विधायकों को पार्टी हाईकमांड की तरफ से आदेश हुआ है, इस खबर में सच्चाई नहीं है। शरद पवार जी ने स्पष्ट सब शब्दों में कहा है कि हम कांग्रेस के साथ थे, कांग्रेस के साथ हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे 2 विधायक हैं और हमने ये आदेश दिया कि आपको अहमद पटेल को वोट देना है। अब ये बात और है कि उसमें हम में से एक हमारा जो विधायक है जडेजा, वो थोड़ा सा पार्टी डिसिप्लिन से बाहर जा रहा था, उसने कुछ घोषणा भी कर दी थी मीडिया से, मगर इसीलिए पवार साहब ने प्रफुल्ल भाई को, जो हमारे पार्टी के वहाँ के प्रभारी हैं, उन्होंने गुजरात पर अहमदाबाद में उनको भेजा है और वो जाकर सब परिस्थिति ठीक कर लेंगे। कई विधायकों ने कह दिया है, शंकर सिंह वाघेला ने भी कांग्रेस को वोट नहीं दिया है, तो ऐसे में क्या स्टैंड रहेगा आगे? ये तो कांग्रेस के लिए एक खराब खबर है कि उनके अपने विधायक संभल नहीं पाए, उनका घर कहीं टूट रहा था और कुछ 5-7 लोगों ने तो पहले ही वोट उनके खिलाफ दे दिया है, बाहर आकर उन्होंने घोषणा की है। अब हमें शाम तक के प्रतीक्षा करनी होगी कि नतीजा क्या आता है। आखिरी सवाल माजिद साहब, अगर एक विधायक आपके टूट कर भाजपा में जाने को तैयार हैं, तो क्या लगता नहीं कि आप लोगों को भी केंद्र में आगे भविष्य में कांग्रेस के साथ रहेंगे, या इस पर पुनर्विचार? देखिए हमारी पार्टी बहुत छोटी है और हमारी पार्टी का कोई प्रत्याशी वहाँ नहीं था, वो कांग्रेस का प्रत्याशी था। कांग्रेस को चाहिए था कि हर चीज़ की, और कांग्रेस चाहती तो हमारे दोनों विधायकों को भी हम उनको सौंप देते कि आप इन्हें भी अपने साथ रखें, मगर कांग्रेस ने कोई इतनी ज़्यादा दिलचस्पी हमारी तरफ दिखाई नहीं। हमारे साथ भी कांग्रेस का रवैया कुछ 100% अच्छा नहीं रहा। ये गठबंधन कॉन्टैक्ट रहेगा? नहीं, जरूरी नहीं कि इससे गठबंधन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये एक छोटी सी राज्यसभा की सीट का सवाल है, पूरे देश के गठबंधन की समस्या इससे नहीं होगी। जाहिर तौर पर एनसीपी का कहना है कि अगर उनके एक विधायक ने भाजपा को वोट भी दिया है, तो इसमें उनकी पार्टी की नहीं बल्कि कांग्रेस की गलती है। कांग्रेस ने अपने विधायकों को समेट कर न रखा और न ही गठबंधन के विधायकों को विश्वास में लिया। ऐसे में दिल्ली से कैमरामैन ललन ठाकुर के साथ अनामिका रत्ना।